पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज से सिपाही भर्ती की परीक्षा शुरू हो जाएगी। बता दें कि आज 7 तारीख है और आज से कई केंद्रों पर ये परीक्षा होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय चयन परिषद की ओर से ली जाने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा 28 अगस्त तक चलेगी। पेपर लीक के कारण इस परीक्षा को अक्टूबर 2023 में रद्द कर दिया गया था। वहीं बिहार पुलिस की पूरी टीम इस बार सफल परीक्षा कराने में जुटी है। इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। पटना में एन कॉलेज, गर्दनीबाग इलाके के सारे स्कूल समेत 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए बिहार पुलिस अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस की साइबर सेल, आर्थिक अपराध इकाई, तो वहीं CID, सोशल मीडिया सेल समेत कई अलग अलग टीम को तैनात किया गया है ताकि पेपर लीक की कोई भी शंका ना रहे। वहीं आज से शुरू हो रही सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। तो लिखित परीक्षा OMR सीट पर होगी। वहीं 6 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक दिन 1 पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा। तो अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। बता दें कि परीक्षा केंद्र में सुबह 10:30 बजे प्रवेश सुबह 10:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में जो भी सुरक्षा है उनके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रवेश से पूर्व उनकी DFMD, HHMD तथा जिला पुलिस के प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों द्वारा चेकिंग की जाएगी। परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक चलेगी। बता दें कि अभ्यर्थियों के पहचान के लिए केंद्र चयन परिषद द्वारा निगहित ई प्रवेश पत्र एवं उनके पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं परीक्षा कक्ष में उनके दोनों हाथों के अंगूठे का निशान, फोटो व शॉर्ट वीडियो लिए जाएंगे, जिनका उपयोग उनकी तत्समय पहचान तथा चयन के अलग चरणों में पहचान करने तथा परूपाधारण की संभावना को नकारने के लिए किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की लेखन सामग्री यथा पेन, पेंसिल आदि तथा कोई अन्य वस्तु नहीं ले जा सकेंगे। आपको बता दें कि OMR शीट भरने एवं अन्य लेखन कार्य के लिए उन्हें पेन प्रश्न पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपको पेन भी अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी अभ्यर्थियों को आगाह किया गया है कि वो सोशल मीडिया एवं अन्य किसी माध्यम से दुष्प्रचार अथवा झांसे में ना आए। यह एक प्रकार से साइबर फ्रॉड कर अवैध वसूली का माध्यम हो सकता है। इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाना अथवा साइबर थाना को दें। तो परिषद के स्तर से किसी भी अभ्यर्थियों को दूरभाषा या मोबाइल अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया जाता है। बता दें कि परिषद एवं अभ्यर्थियों के बीच संवाद का माध्यम केंद्रीय चयन परिषद बिहार की वेबसाइट अथवा अभ्यर्थियों के आवेदन में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर पर प्री रिकॉर्डेड ग्रुप संवाद ही हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य स्वरूप में उनसे कोई संपर्क करता है तो वो इसकी सूचना थाना को दें। देखिए, जो पुलिस है वो पूरे तरीके से तैनात है। तो केंद्रीय चयन परिषद, पुलिस मुख्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। राज्य के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक के स्तर से सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर उन्हें कड़ी से कड़ी स्वच्छ परीक्षा संपादन कराने के निर्देशित किया गया है। साइबर थाना एवं आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से सोशल मीडिया आदि पर परीक्षा से संबंधित निगरानी प्रारंभ की जा चुकी है और जो सभी बातें हैं उनका उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। परिषद द्वारा परीक्षा केंद्रों पर स्वच्छतापूर्ण परीक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई, जिसमें प्रत्येक कक्ष एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर CCTV से निगरानी की जाएगी, जिसकी लाइव फीड परिषद मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष को प्राप्त होगी तथा प्रत्येक कक्ष में जैमर भी स्थापित किए गए हैं जो SG एवं वाईफाई के सिग्नल को भी जैम करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही केंद्र अधीक्षकों से सीधे संवाद के लिए हॉटलाइन के ग्रुप से विशेष फोन भी लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के व्यवस्था यहाँ तैनात किए गए हैं, CCTV से लेकर जैमर, और इसका हॉटलाइन
जो है उस माध्यम से संवाद भी होता रहेगा, तमाम चीजों की सुरक्षा रखी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।